कि आईसीआईसीआई बैंक लगभग 10 दिन के रेस्ट के बाद अब इसकी कैंडल पूरी की पूरी रिवर्स हो गई है। राहुल शर्मा जी, अब आईसीआईसीआई बैंक अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट कर ट्रेड करता हुआ, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 716 एनी ऑप्शन थॉट, और क्लोजिंग को प्ले करने के लिए कोई फ्यूचर्स पे टेक आपका? जी हाँ, देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक ही ऐसा स्टॉक है जो स्ट्रांग है और जो चला नहीं है। मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में हमें एक अच्छा बेहतरीन मूव देखने को मिल सकता है। इमीडिएट टारगेट 730-735 के होंगे, बट मुझे लगता है ये 800 रुपए तक की चाल ये एक्सपायरी तक दिखा सकता है। तो पोजिशनली भी और इमीडिएट बेसिस पे दोनों में ध्यान पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 दिन का जो इसका लो है तकरीबन 705 के आसपास, 705 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कीजिए। 730 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आई थिंक यहाँ पर 680 के स्टॉप लॉस से 800 का लक्ष्य ओपन अप होता है। आई थिंक बैंक्स में मोमेंटम आज के दिन काफी बढ़िया है। बैंक निफ्टी ने अपना एक की रेजिस्टेंस निकाला है। मेरे हिसाब से बैंक्स यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप दिखा सकते हैं। ये राय आपके सामने बैंक्स पर आती हुई दिखती है। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ते हैं और उनसे जानने की